स्वागत है बच्चे। सचिवालय सहायक के टेस्ट नंबर ऑफलाइन बच्चों के लिए 43 नंबर और ऑनलाइन बच्चों के लिए 23 नंबर में आपका स्वागत है बच्चे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साइंस का। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि दो लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः F1 एवं F2 है तो संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो संयोजन की फोकस दूरी 1/F बराबर क्या होता है, 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस क्या होगा 1/F2 होगा। और बेटा 1/F निकालना चाहेंगे, 1/F बराबर क्या हो गया F1 F2 और ऊपर हो गया F2 प्लस क्या हो गया F1 और F बराबर क्या हो जाएगा तो F1 F2 बटे क्या होगा F1 और प्लस क्या F2। तो देख लीजिए संयोजन की फोकस दूरी अगर चिपका करके रखा गया हो, सटा करके रखा गया हो तो F1 × F2 / F1 + F2 ये हो जाएगा C नंबर। बच्चे यदि दो लेंस आपस में काफ़ी सटा करके रखा गया है तब इसकी ठीक है कुल संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी तो F = F1 / F2 / F1 + F2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अगर मान लीजिए D दूरी के अपार्ट रखा जाता है तब क्या होगा। D दूरी के अपार्ट अगर रखा जाता है तब क्या करेंगे तो कुल संयोजन की फोकस दूरी 1/F बराबर होगा क्या 1/F1 + 1/F2 और माइनस क्या D / F1 / F2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए लेंस अगर बात करें लेंस के लिए तो लिए देखिए ये उत्तल लेंस हो गया और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है तो बच्चे ये पॉजिटिव होता है और इसका पावर क्या होगा तो प्लस D होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो ये देखिए ये है अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगा तो निगेटिव होता है और इसका पावर भी क्या होगा तो माइनस D होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या दोगुना होगा हो जाता है। तो बच्चे आपको पता है कि त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग होता है। और अगर ठीक है आपको संवेग को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P² / 2m। भार क्या होता है तो भार बल है mg। तो बच्चे संवेग ही दोगुना होगा, अगर वेग दोगुना तो संवेग दोगुना हो जाएगा क्योंकि संवेग जो है संवेग P = m × v। अगर v दोगुना हो गया तो संवेग 2m v हो जाएगा। अब देखिए त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं तो बच्चे बल कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया तो P² / 2m हो जाएगा। भार क्या होता है तो भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या वृद्धि होगी। तो बच्चे आपको पता है सरल लोलक का आवर्तकाल 1% की वृद्धि कर दी जाती है तो सरल लोलक का आवर्तकाल T/2π√L क्या हो जाएगा L/g होता है। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लंबाई में 1% तो लंबाई L क्या हो गया 1/2 तो 1/2 नीचे आ जाता है बच्चे 1/2 × Δ L बटे क्या हो जाएगा L हो जाएगा परसेंटेज में तो 1/2 और ये परसेंटेज दिया हुआ कितना वृद्धि हो रहा है 1% वृद्धि हो रहा है तो बच्चे 1% गुना कर दीजिए तो ये 0.5% वृद्धि होगा। कितना होगा 0.5%। देखिए कैसे हम बनाए हैं क्योंकि आपको पता है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है T/2π√L/g होता है तो ये L 1/2 का प्रोपोर्शनल हो जाएगा और G -1/2 का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 2π को मैंने कांस्टेंट मान लिया तो वहीं से लेके आ गया मैं ये देखिए 1/2 कहाँ आ जाता है आगे आ जाता है Δ L/L ठीक है Δ L/L 1% वृद्धि हो रहा है तो ठीक है आवर्तकाल में कितना वृद्धि हो जाएगा तो 0.5% आंसर हो जाएगा आपका क्या B नंबर आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल 2 ही फैक्टर पर निर्भर करता है, एक निर्भर करता है लंबाई पर और दूसरा निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण पर। लंबाई पर निर्भर करेगा और किस पर निर्भर करेगा गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अधिकतम क्षैतिज परास पाने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए। तो बच्चे आपको पता है कि ये अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी कोण पर तो ये जो है ये आपको क्षैतिज परास होता अल्फा, यानी ये देखिए ये क्षैतिज परास हो गया। कुल तय की गई क्षैतिज दूरी को हम परास कहते हैं और आर मैक्सिमम कब होगा
यानी 45 डिग्री पर, यदि अल्फा का मान 45 डिग्री होगा और आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, जी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा 45 डिग्री पर। ऊंचाई महत्तम कितने डिग्री पर, तो ऊंचाई महत्तम 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g या आर मैक्स बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि अगर किसी वस्तु को, अगर किसी प्रक्षेप को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो महत्तम परास 45 डिग्री के कोण पर, जबकि महत्तम ऊंचाई जो है 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा फ्रॉनहोफर रेखाएं निम्न में से किसका उदाहरण है बच्चे, तो फ्रॉनहोफर रेखाएं जो है, ठीक है, आपको अवशोषित स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, अवशोषित स्पेक्ट्रम का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि फ्रॉनहोफर रेखाएं आपको पता है बच्चे कि मान लीजिए ये सूर्य, सूर्य से जब जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो जब हम इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं सूर्य के स्पेक्ट्रम में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के स्पेक्ट्रम, सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो बच्चे स्पेक्ट्रम में, ठीक है, स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो स्पेक्ट्रम में, ठीक है, डार्क और डार्क, डार्क एंड, ठीक है, डार्क एंड ब्राइट बैंड प्राप्त होता है, ब्राइट बैंड प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से क्या होगा, तो यहाँ ये डार्क और ब्राइट बैंड में क्या हुआ, तो बच्चे ये जो है, ठीक है, प्रकाश की किरणें यहाँ से अवशोषित कर ली गई हैं, इसीलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। बच्चे स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरण को आप गुजारते हैं तो क्या होगा, तो 7 रंगों की विभिन्न पट्टियां आपको पर्दे पर प्राप्त हो जाती हैं और इसे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सतत स्पेक्ट्रम, सूर्य का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य का स्पेक्ट्रम क्या होगा, सतत स्पेक्ट्रम, सूर्य का स्पेक्ट्रम बच्चे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम यौगिकों से प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होगा, जबकि, ठीक है, परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम कैसा होगा, परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम ये कैसा होगा, तो परमाणु से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम, कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जबकि आपको अगर प्राप्त होगा स्पेक्ट्रम किससे, तो बच्चे अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है आपका, ठीक है, यौगिकों से, तो उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र रहता है। तो अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिए बच्चे, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये कुंडली है, कुंडली से आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण आपको चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में। ये देखिए ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके बराबर होगा विद्युत वाहक बल, इसके बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में, और ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है बेटा, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको कैसे कहा जाता है, परिवर्तन की दर कहते हैं, ठीक है, परिवर्तन की दर कहते हैं। और ये देखिए फ्लक्स में परिवर्तन पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, समय पर भी निर्भर करेगा, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, लेकिन कुंडली की प्रतिरोधकता से यह स्वतंत्र रहता है, ठीक है, कुंडली की प्रतिरोधकता से यह क्या होगा बेटा, तो कुंडली की प्रतिरोधकता से यह स्वतंत्र रहता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, आपको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, दो समान द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला बल एफ है, कोई बात नहीं है, यदि 25% द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया गया तो नया बल क्या होगा, तो बच्चे एक, ठीक है, द्रव्यमान जो है आपको पता है एफ बराबर होता है m1, ठीक है, m2, जी m1 m2 बटा क्या आर स्क्वायर। अब देखिए एक वस्तु है m, ठीक है, m1, अब इसका द्रव्यमान आपको m2 में स्थानांतरित कर दिया गया तो बच्चे कितना परसेंट, तो कितना बच गया, 75% आपने, ठीक है, यदि 25% द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे पिंड में हस्तांतरित कर दिया गया तो नया बल क्या हो जाएगा, अच्छी बात है बच्चे, नया बल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि द्रव्यमान जब हस्तांतरित किया जाएगा, मान लेते हैं एक द्रव्यमान
एम वन बराबर एम है, एम टू ठीक है, दो समान द्रव्यमान, एम टू बराबर भी क्या है, एम है। अब इससे इसमें स्थानांतरित हो गया तो बच्चे इसमें कितना बचा, तो 25%, चूंकि इसमें 75 बचा, इसमें 125 हो गया, ठीक है, इसमें 75 बचा, 75 एम अब बटे क्या 100 हो गया बच्चे, और इसमें कितना बचा 125 एम बटे क्या होगा, तो 100 हो गया। तो ये ध्यान में रखिए, अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि ये 75 एम बटे 100, 125 एम बटे 100 हो गया। अब आपको बल निकालना है, तो नया बल एफ वन बराबर क्या होगा, जी इंटू 75 बटे 100, कोई बात नहीं बेटा, और गुना क्या हो जाएगा एम, गुना क्या हो गया आपको 125 एम बटे कितना 100 इंटू आर स्क्वायर तो है ही है साथ में, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 दिया 25 पचे 125, 25 पचे 125, 25 चौका 100। यहाँ देखिए बेटा 5 दिया 15 हो गया, ऊपर कितना हो गया 15, अब बटे क्या 16, और जी एम एम बटे क्या आर स्क्वायर, जी एम एम बटे क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ये देखिए बेटा आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए ये एम वन एम वन बराबर एम मान लिया है मैंने, जी एम एम बटे क्या आर स्क्वायर, ये एफ है बच्चे, ये क्या है 15 बटे 16 क्या होगा एफ हो जाएगा, यानी बल जो है 15 बटे 16 एफ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर पर निकाल लीजिए फटाक से, ठीक है, एक एक वस्तु पर मैंने ठीक है 75% द्रव्यमान बच गया, 25% वो ट्रांसफर हो गया दूसरे वस्तु पर, तो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, तो 125 एम बटा 100 हो गया, इसके आधार पर मैंने कर लिया 15 बटा 16 क्या हो गया आपको बल हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल ई को समानांतर में जोड़ता है, संयोजन का कुल ईएमएफ कितना होगा बच्चे, ठीक है, अगर समानांतर में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा समानांतर में जोड़ेंगे सेलों को तो क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहता बच्चे, ये देखिए समानांतर में विद्युत वाहक बल का मान नियत होता है, जबकि यहाँ देखिए आपको क्या होगा, तो धारा भिन्न भिन्न होगा या आवेश भिन्न भिन्न होगा, लेकिन विद्युत वाहक बल, सीखिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल किसमें, विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में, विद्युत वाहक बल किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में नियत रहता है, नियत रहता है, और यह मान कितना के बराबर होगा, तो बच्चे ये ई के बराबर होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो समानांतर क्रम में ठीक है सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह नियत होगा। अब बेटा विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा ई हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है उतने के बराबर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, तो ये देखिए बैटरी का धन ध्रुव है और ये बैटरी का मान लेते हैं ऋण ध्रुव है, तो बैटरी के धन ध्रुव धन बड़ा होता है, धन ध्रुव से ठीक है बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर 1 कूलम्ब आवेश को ठीक है खुले परिपथ में ले जाने में जितना वर्कडन करना पड़ेगा उसी वर्कडन को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसीलिए यहां पर क्या होगा समान आपको क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। जनरली विद्युत वाहक बल भी विभवांतर है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या है बच्चे, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है अक्ष से दूरी, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा तो अक्ष से दूरी का वर्ग ठीक है गुना द्रव्यमान, बच्चे आघूर्ण ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया यानी ठीक है अक्ष से दूरी का वर्ग गुना द्रव्यमान यानी आर स्क्वायर इंटू एम, आई बराबर आर स्क्वायर इंटू एम हो गया बच्चे, तो आर तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर इंटू एम हो गया बच्चे, या ऐसा भी कर सकते हैं एम एल स्क्वायर और टी पर पावर जीरो बच्चे, तो यह हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर जीरो, देखिए कहां पर है एम एल स्क्वायर टी पर पावर जीरो सी नंबर ऑप्शन में है बच्चे। जड़त्व आघूर्ण ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार द्रव्यमान ठीक है द्रव्यमान आपको घूर्णन गति में कार्य करता है, यानी जड़त्व आघूर्ण ठीक उसी प्रकार जड़त्व आघूर्ण ठीक है जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में घूर्णन गति में ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान कार्य करता है तो ये बातें याद रखनी चाहिए, द्रव्यमान कार्य करता है यानी ठीक उसी प्रकार कार्य करता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। द वर्क वर्किंग ऑफ ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज सेम एज इन रोटेटरी मोशन एज लाइक एज ठीक है एज लाइक एज बॉडी ऑफ मास इन ठीक है लीनियर मोशन, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरे के फोर एफ सी एन सिक्स में एफ की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो बच्चे आपको पता है पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था, यहां देखिए पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम हो गया
के का होता है आपको प्लस वन, सी एन का होता है माइनस वन बच्चे, तो गुना कर लेते हैं तो वन गुना फोर, ठीक है, के फोर है बच्चे, प्लस एफ ई का मान लेते हैं एक्स है, और सी एन का क्या हो गया, तो ये एफ ई का है बच्चे, एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर है, और ठीक है आपको प्लस तो माइनस वन गुना क्या, माइनस वन गुना क्या करना पड़ेगा, सिक्स से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस वन इंटू सिक्स कर लीजिए बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या, देखिए इस पर कोई आवेश है नहीं है, तो कुल आवेश ऑक्सीकरण संख्या जीरो हो गया, फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर क्या हुआ, जीरो हो गया, और एक्स माइनस टू बराबर क्या हुआ, जीरो, दिस इंप्लाई एक्स बराबर क्या होगा, प्लस टू होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा प्लस टू इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ध्यान में रखना है बच्चे, ये फेरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी। देखिए कैसे मैंने निकाला, मैंने कहा कि देखिए ये क्षार धातु है, क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन होता है, ठीक है, सी एन, सी एन ये जो साइनाइड है इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होता है, तो ये कुल ऑक्सीकरण संख्या देखिए प्लस वन इंटू फोर कर लिया मैंने, और फेरस की ऑक्सीकरण संख्या मैंने एक्स मान लिया और सी एन माइनस वन, तो इसके आधार पर मैंने पुट करके निकाल लिया और यहां पर फेरस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू हो जाएगा बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोर समस्थानिक, हमको लगता है यही गलत है, सही सुमेलित नहीं है बच्चे, बोर ने, ठीक है, बोर ने समस्थानिक के बारे में नहीं बताया था, बोर ने क्या दिया था, तो नाभिक, ठीक है, आपको अस्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था, अस्थैतिक, ठीक है, अस्थैतिक स्टेशनरी ऑर्बिट थ्योरी, अस्थैतिक कक्षा का सिद्धांत दिया था किसने, तो वो बोर ने दिया था बच्चे, अस्थैतिक कक्षा का सिद्धांत दिया था बोर ने। रदरफोर्ड ने प्रोटोन की खोज की थी, सही है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये भी सही है, जेटे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बच्चे, जबकि समस्थानिक के बारे में किसने बताया था, तो फजन और सोडी ने बताया था, फजन और सोडी ने, फजन एवं सोडी ने इसका कंसेप्ट दिया था बच्चे, फजन और सोडी, और समस्थानिक है क्या, तो ये देखिए 1H1 और 1H2 और 1S3, देखिए बेटा क्या हो गया, तो परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, तो ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया, यानी आप आंसर क्या होगा कि ए नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, तो बोर समस्थानिक सुमेलित नहीं है सही। नेक्स्ट देखिए, किस जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होगा, तो बच्चे यहां देखिए किस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ऐसा जलीय विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम पीएच मान किसका होगा, तो बच्चे ये देखिए ये किससे बना होगा, तो ये प्रबल, ये देखिए FeCl3, ठीक है, इसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम नहीं होता है, ये देखिए सबसे कम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का, क्यों, क्योंकि ये नाइटर है बच्चे, नाइटर है, नाइटर है, और यह अम्लीय व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार, अम्लीय व्यवहार करेगा, अम्लीय व्यवहार, और यहां देखिए अम्लीय व्यवहार होगा, इसीलिए इसका पीएच मान जो है पीएच मान लेस देन 7 होगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, और कॉस्टिक सोडा जो होता है, ठीक है, इसका पीएच मान जो है, ठीक है, आपको बराबर 14 हो जाएगा बच्चे, ये प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय, लेकिन फेरस क्लोराइड ये लवण है, ठीक है, आपको, ठीक है, उदासीन लवण होता है, लगभग इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, उदासीन लवण हो गया, और ये भी आपको सोडियम, ठीक है, सोडियम साइनाइड जो है, ये भी आपका जो लवण है, यह भी आपको क्या है, क्षारीय लवण है बच्चे, क्षारीय लवण है, इसीलिए आपको यहां पर केवल एक ही लवण है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको नाइटर कहते हैं, जिसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है, ठीक है, जिसका पीएच मान जो है 7 से क्या होगा, कम होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है आपको, कह रहा है सबसे छोटा धनायन क्या है, किसका है बच्चे, तो ये देखिए सब सम न्यूट्रॉनिक है बच्चे, सम इलेक्ट्रॉनिक है, यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी, यहां देखिए इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि देखिए जिसके नाभिक में जितना अधिक प्रोटोन, जितना अधिक प्रोटोन, ठीक है, वह प्रोटोन उतना ही, ठीक है, छोटा होता है, वह उतना ही छोटा होता है, तो यहां देख लीजिए क्या है, तो एल्युमिनियम है बेटा, तो एल्युमिनियम में क्या होगा, यहां आपको 13 प्रोटोन है इसके नाभिक में, यहां क्या है 12 प्रोटोन है इसके नाभिक में, और यहां कितना है, तो सोडियम में 10 बोलते 11 प्रोटोन है बेटा,
और यहां क्या है, इसके नाभिक में 10 प्रोटोन है, तो सबसे अधिक प्रोटोन किसमें हो गया, एल्यूमिनियम में, तो जिसमें जितना अधिक प्रोटोन होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी। तो 63 का क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा, 63 का क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसके नाभिक में जितना अधिक प्रोटोन होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, यानी आपको ठीक है एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। नायलॉन 66 एकलक है, किसका एकलक है बच्चे, नायलॉन 66 आपको पता है स्टायरीन जो है इससे बनता पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन बनेगा बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है पॉलीस्टायरीन, ठीक है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है, इससे कपड़ा बनता है पॉलिस्टर। आइसोप्रीन रबड़ का बहुलक है, रबड़ रबड़ का बहुलक है। ClCH डबल बॉन्ड CH2 ये विनाइल क्लोराइड है बच्चे, और इससे क्या बनता है, विनाइल क्लोराइड PVC बनता है, PVC रबड़ इसी से बनता है, PVC का निर्माण होता है। जबकि नायलॉन 66 जो है इसका एकलक 16 डायमिन हेक्सेन तथा 16 डायहेक्सेन डायोइक अम्ल होता है बच्चे, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। और नायलॉन का निर्माण, नायलॉन 66 का निर्माण सबसे पहले कोरोदर्श ने किया था, कोरोदर्श ने किया था बच्चे। ये जो है पॉलीएमाइड है, क्या है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है बच्चे, और यह क्या होता है, तो इसका बहुत सारा उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का एक उदाहरण कौन है, तो बच्चे आपको पता है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है इंसुलिन क्या है, हार्मोन होता है, और हार्मोन जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम और ठीक है एंजाइम और हार्मोन दोनों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं बच्चे। इंसुलिन जनरली क्या होता है, तो ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, पेनक्रियाज के बीटा सेल से, बीटा सेल से ये सेक्रेट होता है, बीटा सेल से सेक्रेट होता है, सेक्रेट होता है, सेक्रेट होता है बच्चे, और ये क्या करता है, तो यह रक्त शर्करा का नियमन करेगा, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखिएगा, रक्त शर्करा का नियंत्रण करेगा, और ठीक है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, नियंत्रण करता है, और यह ग्लूकोज को किस में बदलेगा, ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन ठीक है, इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में कौन सी प्रक्रिया लोहा के, लोह के अभाव से सीधे प्रभावित होता है बच्चे, तो यहां देखिए ग्लाइकोलाइसिस है, केल्विन चक्र है, और कोशिका का DPD स्तर है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, तो बच्चे यहां देखिए ठीक है, यहां देखिए बच्चे क्या कह रहा है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज ठीक है, ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से, ग्लूकोज ठीक है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से क्रेब्स चक्र के उपरांत, पूर्ण रूप से क्रेब्स चक्र के उपरांत क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल के उपरांत ये आपको उपरांत क्या करता है, तो ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है, ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो यहां देखिए अगर इसमें उत्पन्न करता है, अगर इसमें ठीक है आपको लोहा नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चे। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस दोनों कंडीशन में आपको कौन होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है बच्चे। और केल्विन चक्र आपको पता होगा कि केल्विन चक्र जो है, केल्विन साइकिल जो है यह ठीक है, यह जो है आपको क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में केल्विन चक्र संपन्न होते हैं EMP पाथवे के तहत। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछेगा यहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का ठीक है, ऊर्जा आपको कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, यानी पावर हाउस ऊर्जा गृह कहलाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहलाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान में रखिएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो आंतरिक झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो मैट्रिक्स पाया जाता है, और उसी मैट्रिक्स में क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और यहीं पर आपको भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ठीक है फूड मटेरियल्स होगा, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और भोजन जो है आपको क्या होगा, ऑक्सीकरण
होता है और भोजन जो है ठीक है आपको क्या देगा, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है, यहाँ पर 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है या आंतरिक झिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? आंतरिक झिल्ली में, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ठीक है, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है और वहीं पर भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भोजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर 38 एटीपी ऊर्जा ठीक है प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है बच्चे? तो छोटे छोटे डीएनए के कणों को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो लाइगेज करता है। डीएनए पॉलीमराइज, बच्चे पॉलीमराइज रिएक्शन के तहत हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को लंबे लंबे श्रृंखला में ठीक है, लंबे लंबे श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए के द्वारा हम लोग लंबे लंबे श्रृंखला का निर्माण करेंगे। जबकि हेलिकेज, हेलिकेज डीएनए रिप्लिकेशन के समय पूरक युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने का काम करता है। तो ये हेलिकेज हो गया बच्चे। तो ये देखिए क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, तो यहां देख लेते हैं ठीक है आपको, ठीक है आपको यहां पर क्या है, तो बच्चे ध्यान में रखिएगा क्या 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 कह रहा है। तो कह रहा है क्या क्या कह रहा है कि एक और दो और तीन सही है, एक दो सत्य है, तीन असत्य है, एक और तीन सत्य है, दो असत्य है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, यहां देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एंजाइम और कार्ज, तो लाइगेज डीएनए के छोटे छोटे कणों को जोड़ता है, एकदम सही है बच्चे, ये सही है ठीक है। डीएनए पॉलीमराइज विशिष्ट डीएनए क्रम ठीक है पर डीएनए को काटता नहीं बच्चे, ये गलत है। डीएनए पॉलीमरेज में हमने क्या बताया कि डीएनए की लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, डीएनए की लंबी श्रृंखला बनता है, लंबी श्रृंखला बनेगा और श्रृंखला बनता है, ध्यान में रखिएगा डीएनए की लंबी श्रृंखला बनता है किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। जबकि विशिष्ट डीएनए क्रम पर डीएनए को काटने का काम कौन करता है, तो इसको करेगा रिस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियेज जो है, रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियेज ये डीएनए को काटने का काम करता है, इंडो न्यूक्लियेज ये डीएनए को काटता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियेज डीएनए को काटने का काम करता है। हेलिकेज डीएनए रिप्लिकेशन के समय पूरक युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करेगा हेलिकेज, यानी डीएनए एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कंप्लीमेंट्री पेयर्स इज ब्रोकन, मतलब कंप्लीमेंट्री पेयर्स जो ब्रोकन होता है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, तो हेलिकेज करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां देख लीजिए तो आंसर क्या होगा, एक और तीन आपका सत्य है, दो असत्य है बच्चे। दो में पॉलीमराइज चेन जो है डीएनए पॉलीमराइज वो क्या होगा, एक लंबा श्रृंखला का निर्माण करने का काम करता है। चलिए निम्न में कौन सा पौधा भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाता है, तो बच्चे इसको सर्पगंधा को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पगंधा को हम जनरली क्या करते हैं, तो पागल की दवा कहते हैं। मुलेठी, मुलेठी का प्रयोग ठीक है आपको ठीक है कंठ साफ करने के लिए करता है, किया जाता है कंठ साफ करना ठीक है, कंठ साफ करने में इसका उपयोग करते हैं बच्चे, कंठ साफ करने में। जबकि सर्पगंधा जो है ये एक तरह से यह मानसिक ठीक है मानसिक विकार को दूर करता है, मानसिक विकार दूर करने का काम करता है बच्चे, विकार दूर करता है। और मैंने क्या बताया, मुलेठी जो है यह कंठ को साफ करने का काम करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वह चित्र जिसके द्वारा एक जाति का कैरियोटाइप व्यक्त होता है, बच्चे किसी भी पर्टिकुलर जाति का जब कैरियोटाइप आप व्यक्त कीजिएगा तो इसके लिए एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं जिसको इडियोग्राम कहा जाता है, क्या कहते हैं, इडियोग्राम कहा जाता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा इडियोग्राम कहा जाता है। यानी कैरियोटाइप किसी भी जाति का जितना भी कैरियोटाइप होगा ठीक है उसको एक चित्र के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत करने का काम करते हैं और उसी चित्र को हम क्या कहते हैं, तो इडियोग्राम कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, इडियोग्राम कहा जाता है। इनमें किसमें पुनर्धवन की क्षमता सर्वाधिकता होती है बच्चे, सबसे अधिक ठीक है आपको डेवलपमेंट की क्षमता यानी आपको रीजेनरेशन पावर किसमें पाया जाता है, तो रीजेनरेशन पावर असीम पाया जाएगा बच्चे, असीम रीजेनरेशन की क्षमता, असीम क्षमता किसमें होती है, तो आपको प्लेनेरिया में होता है, किसमें होगा, प्लेनेरिया में होगा। जबकि अमीबा जो है इसमें ठीक है, अमीबा जो है यह प्रोटोजोआ होता है, तो ये बातें याद रखिएगा, सबसे अधिक जो क्षमता होती है रीजेनरेशन की वो किसमें होगी, तो आपको प्लेनेरिया में होता है। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक मुख्य होता है बच्चे, तो जल को सबसे अधिक प्रदूषित करने का काम कौन करता है, तो औद्योगिक अपशिष्ट करेगा, कौन करेगा, औद्योगिक अपशिष्ट करता है बच्चे, तो सबसे अधिक जल को प्रदूषित करने का काम औद्योगिक अपशिष्ट करेगा, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट से ही आपको ठीक है क्या होगा, तो भारी धातु या भारी धातु में ले लीजिए कौन कौन,
तो बच्चे मरकरी या तो आपको आर्सेनिक या तो आपका ठीक है एंटीमनी ठीक है या आप स्ट्रॉन्सियम या आप ले लीजिए कैडमियम, ये सब जो है आपको मिल जाता है जो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। बच्चे मरकरी के प्रदूषित मरकरी प्रदूषित जल को पीने से क्या होता है, मिनीमाता रोग होता है ठीक है। स्ट्रॉन्सियम की वजह से क्या होगा तो रक्त कैंसर होता है। कैडमियम की वजह से क्या होता है, इटाई रोग होता है। जबकि अमोनिया, ध्यान में रखिएगा अमोनिया जो होता है NH3 होता है और ये अमोनिया ठीक है क्या करता है तो हैबर विधि द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। साबुन आपको पता है कि उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है, जबकि धुआं आपको एरोसोल कोलाइड होता है। कौन सा कोलाइड है, एरोसोल कोलाइड होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो बच्चे कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं जो है मेलोमा कहलाती हैं। ध्यान में रखिएगा, कैंसर ट्यूमर से जब हम लोग कोशिकाएं प्राप्त करते हैं तो उसको मेलोमा कहा जाता है ठीक है। आपको तो ये देखिए लिम्फोसाइट्स ठीक है, ये WBC है बच्चे। रक्त कैंसर से प्राप्त कोशिकाओं को हम लोग लिम्फोसाइट्स कहेंगे और लिम्फोसाइट्स जो है ठीक है WBC है, क्या है लिम्फोसाइट्स, ये WBC होते हैं, क्या होते हैं WBC होते हैं। और मोनोक्लोनल कोशिकाएं क्या होती है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जब उनके 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 कोशिकाओं को हम संभाल करके रखते हैं या नए कोशिकाओं का डेवलपमेंट करते हैं, नए जीवों का उससे डेवलपमेंट किया जाता है तो उसको मोनोक्लोनल कोशिकाएं कहा जाता है। जबकि हाइब्रिडोमा क्या है बच्चे, तो बहुत सारे वायरस में यह गुण पाया जाता है कि जिसे क्रिस्टल कर लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है, जिसका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है तो इसे हाइब्रिडोमा कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा एडम्स एप्पल निरूपित करता है। बच्चे एडम्स एप्पल जो है यह कंठ की थायराइड उपास्थि में उपस्थित होता है ठीक है, कंठ की थायराइड उपास्थि में उपस्थित होता है एडम्स एप्पल। इसको थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है बच्चे, क्या कहते हैं ठीक है थायराइड ग्लैंड, यानी कंठ की थायराइड उपास्थि में यह उपस्थित होता है और यहीं से आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा और जो ठीक है जनरली बहुत सारे शरीर में उद्दीपन, शरीर के बहुत सारे कार्यों का नियंत्रण यह करता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण था? तो बच्चे अगर शुरू की बात करें तो पृथ्वी जब प्रारंभ हुआ था उस समय की बात अगर करें तो आर्द्र वायुमंडल में क्या था, तो जनरली अमोनिया गैस या ठीक है आपको ठीक है नाइट्रोजन गैस, यानी बहुत सारा शुरू वाले वायुमंडल में उपस्थित था। वर्तमान के वायुमंडल में बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आपको आर्गन है, देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ठीक है इनमें से कोई नहीं होगा बच्चे। शुरू के वातावरण में क्या था, तो ज्यादातर मात्रा में अमोनिया था, क्या था अमोनिया था, तो चूंकि अमोनियम है अमोनिया नहीं है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी अमोनिया होना चाहिए था अब शुरू वाला वातावरण में। कौन सा था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में यहाँ पाई जा रही थी पहले शुरू के वातावरण में, तो ये ध्यान में रखिए। लगातार हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।